तो आज हम फोटोशॉप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और मास्किंग के बारे में। यहाँ पर मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। यहाँ पर आप पिक्सल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना पिक्सल चाहिए आप, 300 रेजोल्यूशन चाहिए आपको, आप चेंज कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट हमने ले लिया वाइट वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारा का सारा टूल बार है। और ये यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल एक बना लिया और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर को, क्या कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। देखिए इसके ऊपर एक बना लिया, लेकिन आज का जो मैटर है, आज का जो टॉपिक है, इसके ऊपर नहीं है। आज हम सीखने वाले हैं मास्किंग के बारे में। तो थोड़ा सा दिखा दिया मैंने, जो बिगिनर है उनके लिए आसानी होगा। तो चलिए एक इमेज ले लेते हैं। मेरे पास एक दो इमेज है, उसको मैं यहाँ पर सररियलिस्टिक जो आर्टवर्क होते हैं उसके लिए, आप पोस्टर होते हैं उसके लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लोनली ओल्ड मैन, ये जो इमेज है, दो इमेज, तो मैं उस दो इमेज को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा इमेजेस का, तो आप बतौर इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेयर है, ये लेयर पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेयर जानना। यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए, इसको एंटर दबाइए तो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड है और देखिए और एक इमेज लेने वाला हूँ, सिंपली ड्रैग करूँगा मैं यहाँ पर। आप चाहिए तो आप प्लेस भी कर सकते हैं, सिंपली कुछ नहीं, कंट्रोल और ओ दबा के आप ओपन कीजिए और प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर से। उसमें कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपली इसको कंट्रोल एंड टी दबा के यहाँ पर प्लेसमेंट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना चाहिए कि ये जो आदमी है वो गिर रहा है ऊपर से, ठीक है। तो मैं सिंपली इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करूँगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा एक, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक टूल है। यहाँ पर मास्किंग हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लेयर के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, स्किप करता हूँ। तो लेयर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इलास्ट्रेटर में भी लेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेयर वाइज हम लोग काम करते हैं इलास्ट्रेटर में। यहाँ पर देखिए मास्किंग का जो एक बटन है वहाँ पर मैंने दबा दिया और मास्किंग का थंबनेल जो है वो आ गया। यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड वाइट है मास्किंग में, ज़रूर यह समझना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप टॉगल कर सकते हैं, देखिए ऊपर ब्लैक है नीचे वाइट है। देखिए अब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर से ब्रश लेंगे और एक ब्रश को चेंज करेंगे। हार्ड ब्रश मैंने लिया, आप ब्लर वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसमें से ब्रश करने से देखिए नीचे का जो पोर्शन है, ब्रश करने से थोड़ा सा चेंज करूँगा ब्रश, ये वाला ब्रश मुझे ठीक लग रहा है, नहीं ब्लर वाला ब्रश जिसमें फेदर है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर मैंने डॉट किया, देखिए नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्किंग में दो ही कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट, ठीक है। देखिए ब्लैक मैंने जब ऊपर रखा और यहाँ पर जब ब्रश कर रहा हूँ, देखिए नीचे का पार्ट रिवील करता जा रहा है, नीचे का पार्ट रिवील करता जा रहा है। फिर से अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला पार्ट ठीक करना है तो मैं उसको टॉगल कर दूंगा और वाइट वाला ऊपर रखूँगा। वाइट वाले से जो आप फर्स्ट में थे, बिगिन में थे, वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, ब्रश करने से। तो यहाँ पर मैं जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक रखा और मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो देखिए वो मिटता जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट मिटता जा रहा है और ठीक एडजस्ट होता जा रहा है नीचे जो इमेज है उसके ऊपर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। मास्किंग जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। मास्किंग बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी आप मास्किंग यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो आप समझदार हैं बहुत, तो आप जानते ही होंगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। मैं एक फीचर्स दिखा रहा हूँ और आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी होंगे, ठीक है। देखिए मैं इसको रिमूव करता जाऊँगा, तो मैं इस पार्ट
पोर्शन को थोड़ा सा स्पीडिफाई करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चला गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि देखिए इसको रिमूव करना होगा हल्का सा, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के लिए ब्रश जो है, छोटा करने के लिए या जूम आउट करने के लिए, आप इमेज को जूम आउट करने के लिए कंट्रोल दबा के प्लस साइन दबाइएगा, शिफ्ट दबा के ऊपर प्लस साइन दबाइएगा, ठीक है, तो आपका जो है जूम हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर जूम टूल है, जूम टूल से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा कर लिया मैंने, जो ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट आते हैं, एंगल ब्रैकेट, उस ब्रैकेट से आप इसको छोटा कर सकते हैं, जो ब्रश है ब्रश को छोटा कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट एक आ रहा है, और थोड़ा सा छोटा करेंगे और साइड में हम लोग इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइड पोर्शन को। जस्ट आप ब्रश करते जाइए इसको, और ये अपने आप रिमूव होता जाएगा, ठीक है, देखिए रिमूव होता जाएगा। तो बहुत अच्छा एक फीचर है मास्किंग जो है, मास्किंग के बारे में आपको जानना चाहिए। तो थोड़ा सा मेहनत होता है इस काम में, लेकिन आपका जो आप काफ़ी समय देख चुके होंगे कि आजकल के जो पोस्टर हैं या सिनेमा पोस्टर हैं, तो मूवी पोस्टर जो होते हैं, उसमें काफ़ी बार मास्किंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, और मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे इफ़ेक्ट यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं हम लोग, ठीक है, रिमूव कर दिया, बहुत अच्छे से रिमूव करना होगा। और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अगर अच्छे से करेंगे और ब्लर वाला साइड में ब्लर वाला ब्रश को यूज़ करेंगे, तो और भी अच्छे से होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए कि कैसे मास्किंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये साइड में थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, और साइड में करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी हटाना पड़ेगा, देखिए। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव के लिए, मैंने बोला था बैकग्राउंड रिमूव के लिए, हाँ, कोई भी बैकग्राउंड रख दीजिए उसको, और मास्किंग कीजिए और यहाँ से उसको रिमूव करते जाइए, तो देखिएगा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आप पेन टूल का यूज़ भी कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। देखिए बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत सारे जो है टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और टेक्निक भी है, तो उसको हम सिखाएंगे पार्ट वाइज। यहाँ पर देखिए रिमूव कर दिया मैंने सारा का सारा जो है, वो देखिए धीरे 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 गॉन होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको समझने के लिए आपको दिमाग में रखना होगा ब्लैक एंड वाइट, ये थोड़ा सा फीचर्स, जो ब्लैक अगर ऊपर रखेंगे और ब्रश करते जाएंगे तो जो ऊपर का पार्ट है वो चला जाएगा, ठीक है, और अगर ऊपर वाइट लेके आएंगे तो आपका जो पार्ट चला गया था वहाँ पर ब्रश करेंगे तो वो पार्ट फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे करना होगा इसको बहुत बारीकी से। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लर वाला जो साइड में ब्लर वाला जो ब्रश होता है उसका यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पर फेदर आ गया और बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं हार्ड ब्रश यूज़ करता तो शायद यहाँ पर ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आता, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी इरेज करना होगा, यहाँ पर भी इरेज करना होगा, तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से कीजिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक। और आप कर सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो घर में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऑफिस में कहीं पर भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, ज़रूर समझ जाएंगे। और इस फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है।
चलिए इसको भी रिमूव करते हैं थोड़ा सा। रिमूव करने के लिए फिर ब्रश का यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा हैंग आउट हो गया है, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, यहाँ से रिमूव कीजिए, रिमूव करते जाइए, रिमूव, और ब्रश घुमाना है बस, और ध्यान से थोड़ा सा जूम करके ब्रश घुमाना है। जूम कैसे करना है, प्लस साइन को दबाना है, हिट प्लस साइन या जूम जो है वो यहाँ पर है जो लोगो है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो लोगो है वहाँ पर आप दबाएंगे टूल बॉक्स में तो जूम हो जाएगा। ये जूम आउट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और इस साइड पे इस पोर्शन पे आपको ध्यान देना होगा, और ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, ठीक है। ओके ओके ओके, इस पोर्शन में आपको ध्यान देना ज़रूरी है, साइड पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर फेदर वाला जो ब्रश है वो आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। और अब करीबन हो चुका है, अब देखिए साइड में थोड़ा सा है, अब देखते हैं, ठीक है। और मैंने ये थोड़ा सा करके दिखाया आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर एक और लेयर लूँगा, ठीक है, और मैंने प्यार के बीच वहाँ पर नहीं हटाया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। मैंने ये पोस्टर में तैयार नहीं करने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर एक शेडो क्रिएट करते हैं। शेडो क्रिएट करने के लिए आप एक काम कीजिए, ब्रश लीजिए, एक लेयर ऊपर लीजिए, और कोई भी ब्रश हार्ड शेप वाला, थोड़ा सा ब्रश को इंक्रीज़ कीजिए। ब्रश को इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर डॉट कीजिए, ब्लैक वाला डॉट, और शेडो बनाने के लिए, रियलिस्टिक शेडो बनाने के लिए देखिए यहाँ पर नीचे आइए, देखिए कंट्रोल टी दबा के मैं जब यहाँ पर प्लेयर इस को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, देखिए ठीक तरीके से बैठाइए इसको, ठीक है, और थोड़ा सा टिल कर दीजिए, कंट्रोल दबा के कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के, कोई भी कॉर्नर पकड़ के आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप शैडो पे जितना काम करेंगे शैडो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रैप कर दिया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कीजिए, देखिए ये देखिए शैडो ऊपर से जो पड़ रहा है इसका शैडो आ रहा है, ठीक है, शैडो आ रहा है अब लगभग ठीक लग रहा है, देखिए। और कुछ इफेक्ट यहाँ पर यूज़ करना ज़रूरी है, कुछ इफेक्ट देखिए इस वाले सब्जेक्ट पे कुछ इफेक्ट ज़रूरी है यहाँ पर, देखिए कुछ इफेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, डार्कन, नॉर्मल, देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखिए, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मुझे लगता है नॉर्मल रखना ठीक रहेगा, फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर सीखना ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर से आप कुछ भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, कुछ एक मैजिकल, एक भूतिया टाइप ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर आप डाल सकते हैं, घोस्ट लाइक, ठीक है, क्योंकि ये विंटेज है, विंटेज इमेज है, तो यहाँ पर से आप नॉर्मल रखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पर कुछ खामियाँ रह गई है, तो यहाँ पर देखिए जो है ये कलरफुल इमेज है, और ये जो ओल्ड मैन का इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए थोड़ा सा हम देखेंगे इसके बाद कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, ब्लैक एंड वाइट में इमेज को चेंज किया जा सकता है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, हम लोग इस टूल को यूज़ करेंगे नीचे, देखिए, और
यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं, उसको हम लगा सकते हैं। इसको फोटोस फिल्टर, ओके। इसको देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए क्या इफेक्ट आता है, देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है? तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड यहाँ पर, और इसको हम लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस को देखते हैं, ब्राइटनेस को भी कैसे, मैं ये इसको दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप दिखाना मेरा काम है, बाकी आप इमेजिनेशन लगा के आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको क्या क्या करना है। मैं फीचर्स दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है? और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आर्ट का नॉलेज अगर ग्राफिक डिज़ाइन में आपका हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए, पोर्ट्रेचर एक प्लगइन है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर देते हैं, ओके। देखिए आप समझ गए, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लगा रहे हैं हम इफेक्ट, ब्लैक एंड वाइट आप कर सकते हैं, बतो रहे हैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, तो चलिए ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया, थोड़ा सा इमेज को ठीक करते हैं, यस, रेड के तरफ थोड़ा सा बाहर लेके जाइए, थोड़ा सा यस, योलो, ये थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आपके हिसाब से, आपको जो ठीक लगता है, लाइटिंग वगैरह जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं यहाँ से फोटोशॉप में, ठीक है? देखिए बहुत सारा जो इफ़ेक्ट है मैंने दिखा दिया, यहाँ से आप कलर वगैरह के ऊपर काम कर सकते हैं, प्ले विथ दिस, आप बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को यहाँ से, और काफ़ी फीचर्स हैं। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है, देखिए ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है? थोड़ा मूड ही चेंज हो गया है इस इमेज का, ठीक है? और ठीक है यहाँ पर रखने देते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। देखिए ये आप अगर एम्बॉसिंग कुछ लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, इस लेयर स्टाइल को, ठीक है? मैं बता दूंगा आपको, अगर आप देखते हैं कि कॉपीराइट रहता है तो वो एम्बॉस रहता है, कैसे एम्बॉस करते हैं, लेटर लिख के इसको आप एम्बॉस कर सकते हैं लेयर, मैंने दिखाया आज, बाकी तो ट्यूटोरियल आते रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एक फीचर है, इसको एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, देखिए शार्पनेस एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको अगर आप नीचे करेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए ब्राइट होता जा रहा है, नीचे करेंगे तो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ आएगा, थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं, ठीक है? देखिए यस, दिस इज नाइस, यस, बस बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, यस, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ओके। तो मैंने बहुत अच्छे से शायद आपको दिखा पाया, और यहाँ पर और एक फीचर है जिसको आप देखिए सारा का सारा ब्लू कर सकते हैं, रात का जो लगता है कि रात में ये सीन हो रहा है, ठीक है? इसको कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर मुझे, इसका विंटेज लुक ही अच्छा है, ठीक है? और देखिए इसको दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा इसको इफेक्ट देते हैं, इसको यहाँ पर से देखते हैं रेड वाला देते हैं तो क्या, देखिए रेड आ गया, थोड़ा सा इधर करते हैं तो रेड के तरफ जो है कलर का मूड चेंज होने वाला है, देखिए और
थोड़ा सा ऑरेंज देते हैं, ऐसे आप चेंज करके देख सकते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका जो मैच का जो थिंकिंग है वो उतना अच्छा हुआ है, इसलिए ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर वगैरह भी आप ठीक कर सकते हैं यहाँ से, तो बहुत अच्छा एक फीचर है। मैं दिखाऊंगा कैसे फ़ोटो में टेम्परेचर वगैरह ठीक करते हैं इसके बाद, लेकिन मैं यहाँ पर ओवरऑल एक दिखा रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं कुछ इमेज के साथ। ठीक है, ओवरऑल फीचर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। एक आप समझ सकते हैं मोटिवेशनल एक वीडियो ट्यूटोरियल है अबाउट फोटोशॉप, आप अगर सीखना चाहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं फोटोशॉप में। देखिए सेव कर दिया मैंने, कुछ भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है कि उसी मैं जो नाम दे रहा हूँ वही देना होगा, मैं कुछ फालतू में नाम दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये तो सेव हो गया। और आप हाई क्वालिटी जेपैक लेना चाहते हैं तो इसको मैक्सिमम कर दीजिए, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 12 क्वालिटी, ओके कीजिए, देखिए सेव होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप जानते होंगे क्या करना होगा।